पहले विजुअल रुक जाओ, मुझे बहुत ही क्लासी लगा, बहुत ही अच्छा लगा और मैं लेना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं मिलेगा शायद कोई। पर पंजाबी इसी साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस तो हो गया बट असल में खिलाड़ी आ रहा है क्या, आप लोग देख सकते हैं खिलाड़ी। देखो हम खुद तो यही एक खिलाड़ी, हमें खतरों से खेलने की आदत है, तो आई थिंक रियल लाइफ में ऑलरेडी हम खेल रहे हैं, लाइफ में पता नहीं देख रहे खेलेंगे या नहीं। वेल आज जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि खतरों से रियल लाइफ में खेल रहे, तो क्या कुछ बता सकते हैं कोई भी एक इंसिडेंट? डर जाओ रे। अरे बता दो नहीं संभाल लोगे किसको, खुद को या मुझको? अरे दोनों आवाज करते पहले ये बताओ मेरा जुड़ाव कौन है? आप ही बताएंगे ना, आप आएंगे उसमें, वो बात अलग है। बता दीजिए आप, आज बताइए। 3 साल में शादी करना है मुझे। अब देखते अब से अगर किसी को जानूंगी तो 3 साल में शायद हो जाए शादी, पता नहीं कौन होगा वो खुश नसीब। आपने जानना शुरू नहीं किया अभी तक? कोशिश तो कर रही हूँ, मतलब अभी मिलना भी तो चाहिए ना। कोई ऐसा मीडिया से पागल लोग ही मिलते हैं क्या करें? कैसा देख रहे हो बता सकते हैं? मेरा दिल किस टाइप का होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, हाँ लिख लो, बहुत लंबी है लिस्ट। ऐसा कुछ नहीं, प्यारा होना चाहिए और बस समझना चाहिए मुझे और समय देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पागल होना चाहिए। बस इसके बाद नाम ही आएगा जब भी। हाँ नहीं, नाम अभी कोई आया नहीं है, जब आएगा तो जान जाओगे आप लोग ही पहले जानोगे। तो फांजादी खतरों के खिलाड़ी भी जाएंगे, ऐसे देखते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं आपको इस वक्त हाथ से नहीं जा रही थी क्योंकि बिग बॉस में ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं घर जाना इतना बोल बोल के अभी घर के बाहर जब आ गई तब देखा कि यार इतना प्यार मिल रहा है, तो लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड हो गए कि यार इतना सपोर्ट किया इसको और इसने तो मतलब। बट एनी वेज सीखा है मैंने और नहीं होना तो टाइम लगता है, तो अब